हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अभी इस टाइम जो है मैं बाल कटवा के निकला हूँ बार्बर शॉप से। होलिया सही हो गया, थोड़ा सा धूप हो रही है। और आज जो है पता नहीं मेट्रो की स्ट्राइक थी या क्या थी, काफ़ी ज़्यादा जो है लेट, थोड़ी देर के बाद नहीं, काफ़ी ज़्यादा देर बाद मेट्रो आ रही थी। तो अभी जो है मैं किसी कैफ़े पर रुकता हूँ, कॉफ़ी पीते हैं और उसके साथ जो है कोई केक वगैरह लेंगे, क्योंकि यार सुबह से उठा हूँ कुछ भी नहीं खाया हुआ, रात लेट तक काम किया है। एक तो ये लेट तक काम करना जो है ना आपको मेंटली तौर पे बिल्कुल टॉर्चर कर देता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। शुरू में ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सर्वाइव करना पड़ता है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले डेली व्लॉग आप लोगों को मिलें। अभी तकरीबन जो है 10 यूरो का खर्चा हुआ है और उसके अंदर अच्छी सर्विस थी, मतलब मैं जो हूँ साफ़ सुथरा चिकना बच्चा बन गया हूँ। टूरिस्ट का एरिया है, टूरिस्ट आ रहा है जा रहा है, हम भी तकरीबन टूरिस्ट बनेंगे कुछ अर्से बाद। अभी जो है यहाँ रूसियों के एरिया में मैं आ गया हूँ, मेट्रो लेंगे तकरीबन, थोड़ी देर वॉक करते हैं बादशाह शादू से या फिर बल्कि रूसियों से ही मेट्रो लेते हैं और यहीं से चलते हैं, या बादशाह शादू से मेट्रो ले लेते हैं वहाँ से चलेंगे ताकि चेंज ना करनी पड़े लाइन। और कोलंबो से जाके जो है कॉफ़ी वगैरह कुछ ले लेंगे, या देखते हैं यहीं पे कोई कैफ़े मिल गया वहाँ से ले लेंगे कॉफ़ी वगैरह कुछ खा भी लेंगे, ताकि जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का पेट पूजा भी हो जाए। टूरिस्ट अपना बजट तय करके आते हैं और हमारा तो बजट ही आउट ऑफ स्कोप चल रहा है, कभी अकोमोडेशन का मसला, कभी किस चीज़ का मसला। लेकिन अभी जो है टुक टुक ड्राइवर्स जो हैं इनका काम बहुत अच्छा हो गया, टुक टुक ये टूर करवाते हैं, क्योंकि यार टर्की की तरह जो है ना लिस्बोआ भी जो है ऊपर रोड नीचे रोड चढ़ाइयाँ, तो लोग जो है प्रिफर करते हैं, फिर टुक टुक भी यूज़ कर लेते हैं लोग कि यार हम जो है टुक टुक पे ये लोग ट्रैवल कर लेते हैं कि सारा एक्सप्लोर हो जाए, इतना ज़्यादा क्या वॉक करेंगे। इस्तांबुल याद आ गया, लिस्बोआ के अंदर इस्तांबुल वाली ट्रैम सिमिलर है, ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर ही हैं, रेड ट्रैम आ रही है इसके पीछे येलो आ रही है। सुबह सुबह जब मैं निकला हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि साइकिल वाला ट्रैम के ट्रैक पे क्या कर रहा है भाई तू, सुबह सुबह जब मैं निकला हूँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार आज कोई पब्लिक हॉलीडे तो नहीं है, मेट्रो पे इतना रश। फिर जब मैंने कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि यार आज कोई इनका मसला चल रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन एक एक घंटे के बाद मेट्रो आ रही है। तो हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, काम से लेट हो जाएंगे, काफ़ी मसले मसाइल हैं भाई यहाँ पर, हर चीज़ देख के चलना पड़ता है। डाउनटाउन स्ट्रीट है, लेकिन हम अभी अच्छे बच्चों की तरह जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन पे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो ऐसा है नहीं कि बस धूप है यार, मौसम तो सही है बस धूप है।
भाई मैं आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर। अभी तक मैंने जितने भी मेट्रो स्टेशन देखे हैं इधर लिस्बन के अंदर, जितना थोड़ा बहुत मैंने ट्रैवल किया है, जितने भी मेट्रो स्टेशन देखे हैं, मेरे को ये बादशाह शादू का मेट्रो स्टेशन जो है इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अजरबैजान रशिया याद आ जाता है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने कंट्री ट्रैवल किए हैं उसके अंदर जो सबसे खूबसूरत जो शहर मेरा जहाँ पे दिल लगा है वो है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। तो उधर सेम टू सेम इसी तरह के आर्किटेक्चर के जो बने हुए मेट्रो स्टेशन, यहाँ से चलते हैं नीचे क्योंकि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो पे, और फिर उसके बाद चलेंगे कोई देखेंगे रास्ते में कैफे, वहाँ से कुछ खाए पिएंगे और फिर उसके बाद टाइम से घर भी जाना है क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी लेट हो गया यार, काफ़ी वेट करना पड़ा वहाँ पे जहाँ पे मैं बाल कटवा रहा था, तो अभी लोग बहुत ज़्यादा है। अभी चलते हैं नीचे, जाने के बाद मेट्रो का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन डेली सफ़र करता हूँ मेट्रो में, और मैं खुद भी कभी कभार साइन भूल जाता हूँ यार, कि काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने जाना कहीं और होता है और मैं पहुँच कहीं और जाता हूँ, बाद में पता चलता है कि यार ये तो स्टेशन ही गलत हो गया था। तो अभी जो है सही जगह पे आ गए हैं, यहाँ से रबुलेरा जा रही है, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग खड़े हुए। रबुलेरा जो हमेशा जो है अपने जिस भी लाइन में जा रहे हैं अपने अपने स्टेशन का लास्ट स्टॉप याद रखने, बस रबुलेरा मेरे स्टेशन का लास्ट स्टॉप है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग खड़े हुए हैं, अभी वेट करते हैं मेट्रो का, और मेट्रो आएगी तो फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे रबुलेरा। आपको पहले भी बता रहा था कि आज कोई स्ट्राइक है तो रश मेट्रो स्टेशन पे आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। तो कभी भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो मेट्रो कम्बोई और बस इन सारी चीज़ों का आपको अल्टरनेट देखना पड़ता है। अभी बड़ी तादाद में लोग हैं और बस का वेट कर रहे, इसका मेट्रो का वेट कर रहे, अब देखो कब आती है। अभी इस टाइम टाइम हो रहा है 5:10 है, अगर ये आ जाती है तो 5:21 वाली जो बस है वो ले लूँगा मैं घर जाने के लिए, अगर ये नहीं आती तो फिर 6 के बाद 15 वॉक करने वाली बस लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो सिनेरियो है कि वो भी पता नहीं इस टाइम पे चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि आज मैंने लड़के से पूछा तो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे जो है कोई स्टाफ शॉर्ट हो गए जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हो गया। तो यार फॉरनर भर्ती कर लो, बेचारे बेरोज़गार घूम रहे लड़के इतने। तो अभी वेट कर रहे मेट्रो का, होपफुली जल्दी आ जाए। बस तो भाई टाइम से मिल गई थी और मैं आ गया हूँ घर के पास। अभी जो है जा रहा हूँ कैफे, कॉफ़ी पीते हैं और केक खाते हैं या पेस्ट्री दिनाता कुछ तो खाएंगे, देखते हैं। अभी कैफे जा रहा हूँ इनके पास क्या है, यही लाइफ है भाई। यहाँ पे वाली डेली रूटीन तो नहीं है कि फारिग हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, टाइम ही इतना फास्ट है, उठो दिन गुजर जाता है, थोड़ी सी एक्टिविटी हो उसके बाद अपना काम है ये वो है, बस दिन यूँ गुजर जाता है। बस यहाँ से काम पर जाएंगे और फिर उसके बाद रात क्या सुबह ही हो जाती है। ये कैफे तो फुल
हुआ भाई, इस कैफ़े में चलते हैं। तो भाई अभी पहुंच गया हूँ कैफ़े, और यहाँ से जो है केक इनके पास था नहीं, मैंने सामने मार्ट से केक ले लिए और अभी बुलाऊँ पीते हैं। यहाँ पे इस टाइम कैफ़े में कोई भी नहीं है, और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि इसके बाद मैं चला जाऊँगा काम पे। तो किसी भी बंदे को कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसका जवाब मैं दे दूँगा। इनबॉक्स ज़्यादातर चेक नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा सारे लोग मैसेज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि यार ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, तो हर चीज़ बताता रहूँगा। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।